नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा खन्ना, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप, कमेंट जरूर करिएगा। आज मैं आपको आंवला नवमी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर जरूर जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग बहुत अधिक दान और पुण्य करते हैं, जिससे कि उन लोगों को बहुत अधिक पुण्य मिलता है। ये आंवला नवमी जो है, इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि अगर आज के दिन आप आंवला के वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके इस जन्म के पाप तो उतरते ही हैं, साथ ही साथ अगले जन्म के भी पाप जो है वो उतर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इस बार आंवला नवमी किस तिथि को पड़ रहा है और कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, इस बार आंवला नवमी जो है वो 12 नवंबर 2021 को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। देखिए, शुभ मुहूर्त जो पूजा का है वो सुबह 6:50 से स्टार्ट हो रहा है और दोपहर के 12:10 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच में आप पूजा करें, जिससे आपको बहुत ही उचित और अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आंवला नवमी के दिन भोजन जो है वो आंवला वृक्ष के नीचे बनाने और वहां ही बैठकर खाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मंडक दैत्य को मारा था। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि आंवला नवमी की पूजा विधि क्या होती है, क्या है पूजा विधि जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं और बिल्कुल आपको जो है सारे पाप उतर जाएंगे। तो चलिए पूजा विधि जानते हैं। महिला आंवला नवमी के दिन स्नान करके आंवला नवमी के वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चे दूध डालें, पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चे सूत या मौली से 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन करें। तो दोस्तों, ये थी जो पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।